अब ये देख लो प्रकाश का परिक्षेपण क्या है। प्रकाश के परिक्षेपण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो ये सुन लो, प्रकाश के परिक्षेपण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। और न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, ये चीज़ें समझ लो। न्यूटन ने ये बताया कि जब किसी प्रिज्म पर किसी श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न रंग होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि श्वेत प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं ना, तो हट जाओ तुम वहाँ से। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म क्या करता है, वह उसे इतने सारे रंगों में विभाजित कर देता है, इतने सारे रंगों में विभाजित कर देता है कि उन रंगों का नामकरण अगर कर दिया जाए तो अभी कम पड़ जाएगा। क्योंकि न्यूटन ने जब प्रकाश के परिक्षेपण के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक टार्च लिया, टार्च लेने के बाद एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म के पीछे उन्होंने एक पर्दा लगा दिया। जैसे ही टार्च का स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते वक्त प्रकाश की किरण आई और प्रिज्म पर पड़ी, और जब प्रिज्म से निर्गत प्रकाश हुई तो जो पीछे सफ़ेद रंग का पर्दा लगा था उस पर इतनी सारे रंगे दिख रही थी कि न्यूटन उसका नामकरण नहीं कर पा रहे थे। अगर न्यूटन सोचे कि मैं किसी तरह इन रंगों का नामिंग कल्चर कर दूं, नामकरण कर दूं, तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ इसे याद नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए न्यूटन ने उसमें मुख्य रूप से जो रंगे दिख रही थी, न्यूटन ने उसमें मुख्य रूप से दिखने वाले रंगों का नामकरण किया। और उसको याद करने का एक ट्रिक भी दे दिया जिसका नाम है विव ग्योर, VIBGYOR। जी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मीन्स जामुनी। बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। वाई फॉर एलो, एलो मीन्स पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। और आर फॉर रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल। तो उन्होंने एक चीज उसमें और नोटिस किया, उसमें ये देखा कि कुछ किरणें अपने रास्ते से थोड़ी सी कम विचलित हुई थी और कुछ किरणें बहुत ज़्यादा विचलित हो गई थी। तो जो किरणें बहुत ज़्यादा विचलित हुई थी उनका नाम हुआ क्या, जो किरणें प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विचलित हुई थी वह कौन सी किरण थी, तो वह बैगनी और नीले रंग की किरण थी। और जो बहुत कम विचलित हुई थी वह क्या थी, लाल रंग की किरण। तो इस बेस पे उन्होंने ये भी बताया कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें बैगनी और नीले रंग की किरणें ज़्यादा विचलित होती हैं और लाल रंग की किरणें कम विचलित होती हैं। तो इस प्रकार ये पूरी घटना संपन्न हुई, तो इसी घटना का नाम क्या दे दिया गया, प्रकाश का परिक्षेपण। तो प्रकाश का परिक्षेपण का एक्चुअल में क्या परिभाषा देंगे, तो हम बोलेंगे क्या, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी को सिस्टमेटिक व्यवस्थित कर दो, प्रकाश का परिक्षेपण निकल जाएगा। उन्होंने क्या बताया कि एक श्वेत प्रकाश है और जब उसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये नहीं बोलोगे वह सात रंगों में विभाजित हो जाता है, आप ये नहीं बोलोगे, वह सात रंगों में नहीं अनंत रंगों में विभाजित होता है। लेकिन मुख्य रूप से पहचान में सात रंग ही आती हैं। जैसे आप देखना ऐसी घटनाएं आकाश में बारिश के तुरंत बाद जो इंद्रधनुष दिखता है वह किस घटना के कारण दिखता है, तो आप क्या बताओगे, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो उसमें भी मुख्य रूप से सात रंगे दिखती हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सात रंगे नहीं, मुख्य रूप से तीन या चार रंगे ही बस दिख पाती हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। ऐसे ही जब न्यूटन ने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो पर्दे पे बहुत सारे रंगों के समूह दिख रहे थे, अनंत सारी रंगे थी, इतनी रंगे थी कि नामिंग कल्चर कर पाना संभव नहीं था। तो उसमें से मुख्य रूप से जितनी रंगे दिख रही थी सिर्फ उन्हीं का नामिंग कल्चर हुआ और उसको याद करने का तरीका भी मिल गया। तो जिस घटना के कारण ये रंगों का समूह दिख रहा था उन घटना का नाम क्या रखा गया, प्रकाश का परिक्षेपण। तो एक्चुअल में प्रकाश के परिक्षेपण का परिभाषा क्या देंगे, ये चीज हम समझ लेते हैं। ये देख रही है, यह एक क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म है ये,
इस पर कोई श्वेत प्रकाश ऐसे आ रही है। श्वेत प्रकाश क्या होती है? वह प्रकाश जिसमें सभी रंग की किरणें विद्यमान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश है। इस पे आपतित होती हैं और आपतित होने के बाद देखो, इधर न्यूटन एक पर्दा लगाए थे, मैं ये पर्दा इसे बना दे रहा हूं, ये पर्दा था ऐसे। तो उन्होंने देखा कि जब प्रिज्म से किरणें कुछ ऐसे निर्गत होती हैं इस तरह से, ऐसे, तो इन किरणों के बीच में बहुत सारी रंगों का पतली पतली समूह दिखने लगती है ऐसे। छह ही बन पा रहा है, एक और बनना चाहिए। ऐसे ये रंगों के बहुत सारे समूह दिखने लग रहे थे, ये वाले। ये तो ये जिस घटना के कारण बहुत सारे रंगों का समूह दिख रहे थे, उसी घटना का नाम क्या रखा गया? प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसमें हुआ क्या है? इसमें ये श्वेत प्रकाश है, और किससे ये गुजर रहा है बाबू? ये प्रिज्म से यहाँ गुजर रहा है। तो ये वाला बहुत सारे रंगों का समूह है, तो इसको हम लिखते हैं ये अपने अवयव रंगों में। अवयव रंग का मतलब ये नहीं हुआ कि सात रंगों में, जितने रंगों में बट सकता है उतने रंग। क्यों भाई? तो इसलिए हम बोलेंगे ये अपने अवयवों रंगों में विभाजित हो जाता है। दैट मीन्स ये जितने रंगों में बट सकता है ये बट जाता है, ये नहीं बोलोगे सात रंगों में विभाजित हो जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये श्वेत प्रकाश है और प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये अपने अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है, दैट मीन्स बट जाता है। तो इसी घटना का नाम क्या पड़ गया है? प्रकाश का परिक्षेपण। तो प्रकाश के परिक्षेपण का क्या परिभाषा देंगे? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी अभी पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परिक्षेपण का क्या परिभाषा देंगे? सिस्टमेटिक बोलेंगे, हम बोलेंगे जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, हम क्या परिभाषा देंगे? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, प्रकाश के परिक्षेपण का क्या परिभाषा देंगे बताओ? तो बोलेंगे जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। बोलो ये क्लियर हो गया? दोबारा बोलना पड़ेगा, एक बार और सुन लो। बोलेंगे जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। बोलो समझ में आया? अब बोलो इसका कुछ ये भी सुन लो। आप देखना कभी कभी शैम्पू का ऐसे घोल बना लेना, और घोल बनाने के बाद ऊपर ऐसे देखना, उसमें बहुत सारे रंगों के समूह दिख रहे होंगे। देखे हो कभी ऐसा? किस घटना के कारण दिखते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। ये भी देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोल एक कुंडली टाइप बना लेते हैं और साबुन का घोल बना के ऐसे फूंक मारते हैं तो गोल गोल गुब्बारे जैसा निकल के उड़ते हैं। क्यों भाई? ये बोलो वैसा देखे हो? उसमें रंगों का देखना बहुत सारे समूह दिखते हैं। वह रंगों का समूह किस घटना के कारण दिखता है? प्रकाश का परिक्षेपण।
बारिश के तुरंत बाद आकाश में देखना इंद्रधनुष दिखता है। ये हम लोग जब पहले छोटे छोटे थे तो हम लोग कहते थे कि ये इंद्रधनुष नहीं समझते थे, तो हम लोग कहते थे ये बोड़ा है और ये एक पाइप है, ये समुद्र से पानी आकाश में बादलों पे लेके जा रहा है, इसके तुरंत बाद बारिश होगा। तो हम लोग को डर लगता था कि कोई बादल फट जाए तो हम लोग डूब जाएंगे बारिश से उसी में। ये ऐसा था ना भाई पहले? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े स्टडी के दौरान, मुझे ये पता चल गया कि वह पाइप नहीं है, वह क्या चीज़ है? रंगों का एक बहुत बड़ा समूह है। और वह रंगों का समूह किससे बना है? प्रकाश के परिक्षेपण से बना है। तो मान लो धरती पे है तो प्रिज्म के कारण ये रंगों का समूह बन जाता है, और आकाश में ऊपर वाले प्रिज्म नहीं लेके खड़े हैं, वहाँ किसके कारण बनता है? तो वहाँ आप बोलोगे जल की बूंदों के कारण बनता है, क्योंकि जल की बूंदें भी किसकी भांति व्यवहार करती हैं? प्रिज्म की भांति। उसमें भी प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं। आया हमारी बात समझ में? तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परिक्षेपण किसे कहते हैं। क्या परिभाषा बोलेंगे? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद से आता है एक वर्ड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम, अब ये समझ लो स्पेक्ट्रम होता क्या है। मैं पूछूं ये इतनी सारी रंगों का जो समूह दिख रहा है, ये रंगों का क्या है बाबू? समूह है। ये किसके कारण बना है? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इन रंगों के समूह का ही नाम क्या रखा गया है? स्पेक्ट्रम। क्या नाम रखा गया बाबू? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का क्या परिभाषा देंगे बोलोगे? प्रकाश के परिक्षेपण से ये प्राप्त होने वाला रंगों का क्या है बाबू? समूह है। इन्हीं रंगों के समूह का नाम क्या रखा गया है? स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम का क्या परिभाषा देंगे बोलो? तो ऐसे बोलेंगे, प्रकाश के परिक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोलो समझ में आया? क्या बोलोगे आप? प्रकाश के परिक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोलो समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ है कि आप रेनबो आकाश में देखते हो, उसमें रंगों के बहुत सारे समूह दिखते हैं, तो उन समूह का नाम क्या रखा गया है? स्पेक्ट्रम। बोलो क्लियर हो गया? तो स्पेक्ट्रम का परिभाषा लिख लोगे, क्या लिखोगे? प्रकाश के परिक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देख लो स्पेक्ट्रम, इन स्पेक्ट्रम का नाम किससे याद रखते हैं? तो और इसे विव की ओर से याद रखते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर। और इसे किससे याद रखते हैं? विव की ओर से। अब विव की ओर से क्या होगा ये देख लो, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, ये नीचे से लिखा हुआ होता है, ये होता है भी आई बी जी वाई ओ आर। अब भी से देखो क्या होगा, भी से होगा वायलेट, वायलेट मीन्स होगा बैगनी। आई से क्या होगा बाबू? इंडिगो, और इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसके बाद ये बी से क्या होगा बताओ तो आप, बी से होगा ये ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होगा? नीला। और ये जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन, और ग्रीन मीन्स क्या होगा? हरा। वाई से क्या होगा? एलो, एलो मीन्स क्या हो जाएगा? पीला। और ओ से क्या होगा? ऑरेंज, और ऑरेंज मीन्स क्या होगा? नारंगी। और आर से क्या हो जाएगा बाबू? रेड, और रेड मीन्स क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आ गया ना? तो आप क्या करोगे, पहले लिखने का तरीका क्या है इसका, पहली बार आप प्रकाश के परिक्षेपण का परिभाषा लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है,
इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। ये लिख के ऐसे फिगर बना लोगे बट ये नाम उसमें नहीं दर्शाओगे। बोलो समझ में आया? इसके बाद क्या लिखेंगे? स्पेक्ट्रम। इसका क्या परिभाषा देंगे? प्रकाश के परिक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इसे किससे याद रखते हैं? विवग्योर से। फिर फिगर बनाओगे और ये ऐसा नाम लिख के पूरा दिखा लोगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके चलो लिख लो ये।